नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल डे। फरवरी का महीना प्यार और रोमांस के लिए जाना जाता है। आखिर फरवरी में ही 14 तारीख को वैलेंटाइन डे मनाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर साल फरवरी में ही काला घोड़ा कला महोत्सव यानी काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है और इस बार ये फेस्टिवल 6 फरवरी से शुरू होकर 14 फरवरी तक चलेगा। चलिए आपको दिखाते हैं आखिर इस फेस्टिवल में होता क्या है। मुंबई में मच अवेटेड हर साल होने वाला काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल इस साल वर्चुअल यानी कि ऑनलाइन हो रहा है। कोरोना की वजह से इस साल ये फेस्टिवल ऑनलाइन है। ये एक कल्चरल कार्निवल है जिसमें कला से जुड़े लोग, कला संरक्षक और सामान्य लोग शामिल होते हैं जो कला में रुचि रखते हैं। ये फेस्टिवल भारत में सबसे मशहूर फेस्टिवल्स में से एक है जो कि इस साल 6 फरवरी से 14 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा और इस साल इस फेस्टिवल में काफी सारे रोमांचक कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। फेस्टिवल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन काला घोड़ा एसोसिएशन की ओर से आयोजित हो रहा है और इनसाइडर की ओर से होस्ट किया जा रहा है। इस फेस्ट शेड्यूल में नृत्य, संगीत के बारे में चर्चाएं, डेमोन्स्ट्रेशन, वर्कशॉप शामिल हैं। सभी लोग कला, संगीत, नृत्य, साहित्य, थिएटर और बुक लॉन्च जैसी सारी चीजें ऑनलाइन देख पाएंगे। ये महोत्सव मुंबई की कलात्मक विरासत को दर्शाते हुए कई कार्यक्रमों का एक मंच होगा। इस बार काला घोड़ा फेस्टिवल 2021 में लगभग 70 कार्यक्रम होंगे। कारीगरों और हस्तकला प्रेमियों के लिए स्टॉल ऑनलाइन अपना सामान प्रदर्शित करेंगे और जो लोग उस सामान को खरीदना चाहते हैं वो आधिकारिक वेबसाइट पर खरीद सकते हैं। बता दें, इस फेस्टिवल में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होने वाला है। द काला घोड़ा स्पॉटलाइट के तहत लेजली लुइस और राहुल मेहरोत्रा म्यूजिकल परफॉर्मेंस देंगे। ऑनलाइन हेरिटेज के जरिए मुंबई शहर और शहर में अपने आर्किटेक्चर के लिए मशहूर जगहों की वर्चुअल सैर कराई जाएगी। इसके लिए आर्ट डेको मुंबई टेस्ट और खाकी टूर्स थ्रू हेरिटेज बॉक्स के साथ विशेष साझेदारी की गई है। काला घोड़ा कला फेस्टिवल पहली बार साल 1999 में शुरू किया गया था। यह आमतौर पर मुंबई फोर्ट के काला घोड़ा जिले में और उसके आसपास आयोजित किया जाता है। काला घोड़ा को इंग्लिश में ब्लैक हॉर्स कहा जाता है जो कि किंग एडवर्ड VII की काले पत्थर की मूर्ति का उल्लेख करता है। ये मूर्ति घोड़े की सवारी करते हुए मुंबई के क्षेत्र में रखी गई थी। हालांकि प्रतिमा को 1965 में बायकुला जू में भेज दिया गया था। इस फेस्टिवल को देश के सबसे बड़े सांस्कृतिक महोत्सवों में से एक माना जाता है। हर साल इस फेस्टिवल में देश और दुनिया भर से हजारों सैलानी आते हैं। इस फेस्टिवल में कला से लेकर क्राफ्ट, डांस, थिएटर और लिटरेचर संबंधी एक्टिविटीज कराई जाती हैं। इस फेस्टिवल में बच्चों के लिए भी अलग से वर्कशॉप और अन्य इवेंट्स कराए जाते हैं। खाने पीने के शौकीनों के लिए भी यहां अलग से बंदोबस्त होते हैं। इस फेस्टिवल में टसर सिल्क साड़ी से लेकर पेपर मैश की चीजें, हाथ से बुनी खादी और पर्यावरण अनुकूल चीजें भी मिलती हैं। इस फेस्टिवल में होने वाले सभी इवेंट्स में एंट्री बिल्कुल मुफ्त है। स्पेशल डे में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी जरूर बताएं कमेंट करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।